संकल्प पाटिल जी ने फिर कुछ पूछा है। लास्ट वीक आपने ऑटो एंसिलरी के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मा में स्कोप देखा था, तो मुझे ये पूछना था कि अगले 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उनका क्या व्यू है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस नाम का कोई प्रोडक्ट अभी कोई कंपनी बेच रही है क्या? ये मुझे तो टेक्नोलॉजी है जिसको तमाम कंपनियां अपने यहाँ इस्तेमाल करेंगी, और वो इस्तेमाल कहाँ, किस इंडस्ट्री में कैसे होगा, अभी तो बड़ा मुश्किल है। ये देखो, पहली चीज की एआई ना एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। यहाँ तो आप चैटबॉट में भी एआई बोलने लगते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है ना कि हर चीज का हम कॉनोटेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। एआई के नाम से तो ऐसा है कि अगर मैंने सोमेश कुमार इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की जगह अगर खाली लिख दिया ना कि आई ए की जगह अगर ए आई लिख दिया गलती से, तो कल को मुझे फंडिंग मिलने लगी, जबरदस्त मिल जाएगी। और ये सिर्फ में सिनेरियो हो गया है। अच्छा, आप आइडिया दे रहे हैं बहुत सारी कंपनियों को कि जो फैशन के हिसाब से अपना नाम बदलती रहती हैं, उनमें से बहुत सारी कंपनियों को आप आइडिया दे रहे हैं कि अब वो अगला जो अपना नाम बदलेंगी उसमें एआई डालेंगी। हाँ, और फंडिंग मिल जाए उसके बाद बोलने गलती हो गई थी जी, वो गलती से इन्वेस्टमेंट नहीं, और फंडिंग मिल चेंज जाएगी वो तो अलग बात है, मतलब बहुत सारे हजारों रिटेल इन्वेस्टर उसके पीछे भाग लेंगे कि अच्छा यहाँ एआई है। हो। हाँ, इसका ना देखिए, विथ ड्यू रेस्पेक्ट और माफी मांगते हुए मैं कहूंगा, रिटेल इन्वेस्टर आप अपने आप खुद इसके लिए जिम्मेवार है। इतने एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट करने के बावजूद भी आपको उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए जहां पे पूरी दुनिया दौड़ रही है, जहां पे पूरी दुनिया नाम के लिए से पीछे दौड़ रही है। आप कुछ भी खरीदने बेचने जाते हैं, आप ऐसे ही सोचिए ना, आप कुछ छोड़ दीजिए, आप जमीन खरीदते होंगे, आप सोना खरीदते होंगे, चांदी खरीदते होंगे, सब खरीद रहे हैं, इसलिए आप जाके खरीद के लेके आते हैं। आप घर में पूछेंगे ना, आपकी पत्नी बोलेंगी कि 1,000 रुपये सोना का भाव कम हो गया, खरीद क्यों नहीं लेते, 20,000 बढ़ गया उसके बाद खरीदने के लिए नहीं बोलते। तो एक जनरल चौथी क्लास की मैथमेटिक्स है जो हम नहीं लगाते हैं, फ्रेंजी में चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमेशा जांच परख लें कि जो आप चीज खरीदने जा रहे हैं, एक तो वो कितनी जेन्युइन है, और दूसरी उसमें क्या उतनी वैल्यू है जिसका आप पैसा देने जा रहे हैं। आप कोई जमीन अभी आप खरीदने जा रहे हैं, कोई भी घर खरीदने के लिए, कोई आपको बोल देगा 20,000 पर स्क्वायर फीट दे दो, भाई क्यों दे दें? अगर है उतना वैल्यू तो दे दें, अगर 10,000 स्क्वायर फीट की है तो कितने पर स्क्वायर फीट की है तो क्यों देंगे? वैसे ही शेयर में भी है। सिर्फ एआई नाम लगा देने का मतलब नहीं है कि कल को उनका रेवेन्यू क्वाड्रुपल हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। एआई लगाने से नहीं होगा। आपको मेन चीज, किसी भी कंपनी में खरीदारी कीजिए, उसका रेवेन्यू देखिए, उसका कैश फ्लो देखिए, तब खरीदारी कीजिए, तो लेकिन आपको इसको थोड़ा एक लेवल आगे जाके सोचते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम अपनी आईटी कंपनियों के बारे में सोचते हैं, एआई उनके बिजनेस पर किस तरह का असर डालेगा, इसकी बातचीत तो, इसका विश्लेषण तो कहीं ना कहीं शुरू हो ही चुका होगा कि इससे उन्हें कम लोग रखने पड़ेंगे तो क्या उनका मार्जिन बढ़ जाएगा, या उनके क्लाइंट्स बोलेंगे कि भाई हम आपको ये काम क्यों दें, हम अपने यहाँ ही एक एआई का सिस्टम लगा देते हैं वही ये काम कर लेगा, तो उनका बिजनेस कम हो जाएगा, तो बिजनेस कम हो जाएगा या काम करना आसान हो जाएगा, आईटी कंपनियों के लिए क्या असर है? अभी हमारे मीडिया के धंधे में हमने देखा है, एक बड़े चैनल ने एक अपने लोकप्रिय एंकर का एआई अवतार सामने लाके रख दिया कि भाई अब एंकर खुद अपना कहीं भी अपना काम करते रहें, स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग करने का काम उनका एआई अवतार कर देगा। तो मतलब ठीक है, एआई अभी एक कॉन्सेप्ट के लेवल पे उभर रहा है, बन रहा है, विकसित हो रहा है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं इम्प्लीकेशंस या उसके एप्लीकेशंस हमें दिखने भी लगे हैं। जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो एआई ऑटोमेशन का एक नेक्स्ट लेवल है। ऑटोमेशन से शुरुआत होती है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस स्टेप्स की, उसके बाद फिर आप उसमें एक प्रेडिक्शंस, उसमें आप सेल्फ लर्निंग लगाते हैं, और उसके फिर प्रेडिक्शंस एंड प्रोजेक्शंस लगा के आप उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में कन्वर्ट करके देते हैं। लेकिन उसमें भी अभी तक उतना ही आप कर सकते हैं जहाँ पे एक डिफाइंड स्टेप्स, इवन एट द स्किल लेवल, आप जहाँ पे स्टेप डिफाइन कर पाएंगे, जिसको वो थोड़ा बहुत परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के प्रोजेक्शंस कर, तो वैसे जगह पे चीजों को ऑटोमेशन की जगह नेक्स्ट लेवल एआई पे आप ले जा सकते हैं। और ये है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टेप में, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस में इसका बहुत स्कोप है और होना भी चाहिए। बिकॉज स्लोली, जैसे अब हम देखें, एक सिंपल एग्जाम्पल में दूं तो एजेंसी एजेंट एजेंट का जो बिजनेस था कि मैं इससे इतना फी लेके आपका कचहरी में काम करा दूंगा, इतना फी लेके आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में करा दूंगा, जो आईटी और ऑटोमेशन आने से ये सारा एजेंट
बिजनेस बंद हो गया, वैसे ही एआई आने से जो स्टैंडर्ड स्टेप्स वाले बिजनेस है जिसमें ये दिमाग बहुत लगाना नहीं है, स्टेप्स प्रोसेस फॉलो करना है, तो ऑटोमेशन के स्टेप से वो बिजनेसेस भी बंद होंगे, वो काम भी, वो जॉब भी बंद होगा। मोर जॉब कैसे क्रिएट होंगे? स्किल बेस्ड जॉब क्रिएट होंगे। तो आने वाला जो फ्यूचर है, जॉब क्रिएशन तो जबरदस्त होगा, बिकॉज एआई बनाने के लिए भी आपको पीछे लोग चाहिए, उसमें क्रिएट होगा जॉब, लेकिन उसके लिए क्या है कि स्किल बेस्ड दिमाग वाला काम, वैसा जॉब क्रिएट होगा। तो जो मैनुअल काम है, जो मोनोटोनस काम है, जहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, वो सब काम में आपका एआई उसको धीरे धीरे सीधा खा लेगा, और मेरे हिसाब से प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है, उसमें जी, होगा एआई। लेकिन जहां पर इनका सवाल जा रहा है, मैं इस रूप में समझ रहा हूं कि किसी भी इंडस्ट्री में, आईटी में हो या किसी और इंडस्ट्री में हो, क्यों, जो आईटी बेस्ड एआई बेस्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहेंगे या जिनका बिजनेस किस रूप में चेंज होगा, तो कोशिश ये समझने की है कि अच्छा विनर्स कौन होंगे, लूजर्स कौन होंगे, उसके हिसाब से हम थोड़ा पहले से दूरदर्शी होकर के उन शेयरों में निवेश घटाएं या बढ़ाएं। तो इसका ध्यान रखते हुए क्या अभी कुछ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विनर्स और लूजर्स को, कि इनको एआई के चलते बहुत फायदा हो सकता है और इनको बहुत नुकसान हो सकता है, तो या फिर हम ये कहें कि भाई आज की तारीख में जब ईवी से गाड़ियां चल रही हैं, सड़क पे दिख रही हैं, तब भी हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ईवी से लूजर विनर कौन होंगे, तो एआई तो उसके मतलब बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट की, अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, देखिए इसका जवाब बहुत सिंपल है। ए आई या ईवी, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत क्लियर है, लेकिन क्या अपॉर्चुनिटी में वैल्यू है ये क्लियर नहीं है। तो अब आप एआई की कंपनी खरीदने जाएंगे तो पूरी भीड़ तो वहां पहुंच चुकी है, तो उस कंपनी के स्टॉक प्राइस में वैल्यू है कि नहीं, वो बड़ा सवाल है, अपॉर्चुनिटी दूर की बात है। इसलिए आपको इसमें जो मेन बेनिफिशियरी होंगे, जो आईटी प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, वो मेजरली बेनिफिशियरी आने वाले टाइम में जरूर होंगे, जो एआई रिलेटेड प्रोडक्ट या एआई रिलेटेड सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करेंगे। उनको आप फिल्टर आउट कर लीजिए, जो बड़े और अच्छे आईटी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जस्ट बिकॉज एआई लिख दिया है उसका नहीं, उसके अंदर प्रोडक्ट क्या सप्लाई कर रहे हैं, उनके प्लान क्या है, वो सब एनुअल रिपोर्ट से, वो लिस्ट रेडी रहना चाहिए। और मार्केट हमेशा एंट्री क्रिएट करता है, बड़े बड़े करेक्शंस आते हैं, उस करेक्शंस में अगर आप वो नाम एंटर करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर ऐसे लेवल पे जहाँ पे 80 और 100 प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ऑलरेडी आगे 4 साल 5 साल का ग्रोथ खत्म हो चुका है, वो खरीद के आप लेके जाएंगे तो अंडर परफॉर्म ही नहीं करेंगे, नुकसान भी होगा। तो एआई एक अपॉर्चुनिटी है, ईवी एक अपॉर्चुनिटी है, इस पे फिल्टर करके स्टॉक्स आप रख लीजिए, और जब बड़ा करेक्शन आएगा उसमें दो तीन नाम जो आपके चुनिंदा बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं तब एंटर कीजिए, तो आपको वैल्यू मिलेगा। इस लेवल पे नहीं मिलेगा, बिकॉज सब एआई के नाम पे तो कुछ भी 2 दिन में 20% 30% तो वैल्यू कहाँ मिलेगा। जी बिल्कुल, तो फिलहाल अभी एआई पर इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे चीजें इमर्ज होती जाएंगी, फिर हम इसको आगे रीलुक करेंगे, वापस इस सवाल पर लौटेंगे, और उसके लिए हमें काफी मौके मिलेंगे। कोई आज की इस 2 मिनट की चर्चा से, 5 मिनट की चर्चा से हम किसी एकदम से नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, ना तो विनर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना लूजर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आज की तारीख में, लेकिन हाँ एक इंटरेस्टिंग जगह पे आपकी नज़र है, वो ज़रूर अच्छी बात है। इमर्जिंग ट्रेंड्स पे हमेशा निवेशकों को नज़र रखनी चाहिए और उसे समझते रहना चाहिए। एक्शन कब करना है उसका एक पॉइंट आता है, अभी एआई को लेकर के वो पॉइंट दिख नहीं रहा है।